में लगा रखी है, काफ़ी लोग इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मे बी न्यू लॉन्च होगा इंडिया में शायद, आई डोंट नो, मैंने कभी इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है, सो मैं इसका नहीं बता। तो हेलो नमस्ते, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज मैं गया था पुल बंगश, वहाँ पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी, तो वहाँ से आते टाइम मैंने सोचा कि NSP में एक जाके ब्लॉग बनाया जाए। सो मैं अभी आ चुका हूँ NSP में, यहाँ पे एक पैसिफिक मॉल है, मैं अभी मेट्रो से निकल के मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो यहाँ एक पैसिफिक मॉल है, मैं उसका टूर आज दूंगा आपको इस वीडियो में। सो मेरे साथ बने रहें। सो गाइज, मैं ये बता दूँ, पुल बंगश मेरी जो क्लाइंट से मीटिंग थी, एक्चुअली एक मतलब क्लाइंट ने मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन किया, वो दो तीन दिन से बात चल रही थी उनसे मीटिंग की, तो उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन किया कि भाई आज आना है आपको अराउंड वही 3 बजे करीब, तो उनसे शायद मेरी मिसकम्युनिकेशन रही, तो मैं 3 बजे, मेरे को लगा कि 3 बजे मेरे को घर से निकलना है, बट मैं निकला थोड़ा लेट, और मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गया था सही टाइम पर। बट मेट्रो स्टेशन से मुझे उनके ऑफिस तक जाने, मतलब उनका एक्चुअली ऑफिस नहीं था, घर था, उनके घर में गया था, तो वहाँ तक जाने जाने में मेरे को करीब आधे से पौना घंटा लग गया। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर मुझे सही में पता होता कि हाँ इतना टाइम मेरे को लग जाएगा यहाँ तक आने में, तो मैं और जल्दी निकलता। सो गाइस, मैंने एंट्री ले ली है मॉल के अंदर यहाँ पे, और मैं हूँ अभी वॉक स्ट्रीट में यहाँ की, मैं आपको यहाँ का टूर अभी अच्छे से दूंगा। मैं अभी जैसे एंट्री करी है मैंने यहाँ से भी, तो मैं यहाँ का आपको टूर देता हूँ। अच्छा, सो गाइस, कुछ यहाँ का ऐसा सा है, यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी है, जो कि मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई देती है, कोस्टा कॉफ़ी है, और यहाँ पे एक VIP का शोरूम है, ये गैजेट हब है, और ये एक परफ्यूम पॉइंट है, ये ऐसे करके। सो यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा क्राउड आज लग रहा है मेरे को, मतलब जनरली आज एक्चुअली क्या वीकेंड है ना, तो सैटरडे संडे तो मे भी क्राउड रहता ही होगा, क्योंकि वीकेंड में तो लोग आते ही हैं, और वैसे वीकडेज में पता नहीं, आई डोंट नो, मैं वैसे कभी वीकडेज में आया नहीं हूँ, बट आज वीकेंड में आया हूँ तो काफ़ी क्राउडेड लग रहा है मेरे को। इनका ये बॉक्स स्ट्रीट है इस वाले मॉल की, अभी एक्चुअली मॉल के अंदर नहीं है हम लोग, अभी मॉल के अंदर एंट्री नहीं करी है, ये बॉक्स स्ट्रीट है, मैं जैसे उसका व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब शॉप्स हैं बाहर इसके, यहाँ पे दी बेफल कंपनी है, रैप्स हैं, और काफ़ी अभी मॉल के अंदर भी चलेंगे, कुछ बाहर का ऐसा व्यू है। सो देखते हैं इस मॉल के अंदर क्या क्या नया है और क्या क्या देखने लायक है, सब दिखाऊंगा मैं आज आपको। सो गाइस, ये मेरे सामने आ चुका है MACD, और वो फंकी आइलैंड करके है। MACD में तो मतलब मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बाहर का खाना, सो मैं नहीं जाता। एंड यहाँ पे बुक शॉप है, यहाँ पे कई सारी बुक्स हैं। गाइस, यहाँ से ही मॉल की एंट्री हो रही है। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था इधर, क्या कहते हैं, मेरे को वॉशरूम यूज़ करना था, फिर उसके लिए मैं वापस बाहर गया हूँ। यहाँ पे गीतांजलि सैलून है, ये इसको सैलून है। तो इधर आपको काफ़ी सारे क्लोथिंग ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे रेयर हैबिट हो गया, ये लेवाइस हो गया, ये ओनली आ गया, जैक एंड जोन्स है, और ये वेरोमोडा, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं। सो मैं आया तो मेरे को एक्चुअली क्या था कि अपने माइक को भी सेट करना था, क्योंकि माइक मैंने रख रखा था अपने पैकेट में, जो मेरे पास पैकेट जिसमें रखता हूँ माइक उसमें रख रखा था। तो मैं यहाँ पे आया वॉशरूम में, मैंने पूरा सेट किया अपने आप को, पूरा माइक वाइक सेट किया। मैं एक्चुअली वायर्ड माइक ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज ऑफ कि ब्लूटूथ वाले में क्या है कि बैटरी का इश्यू रहता है, और जो अच्छे माइक्स हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, तो अभी तो मैं वायर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। वायर्ड में ये है कि जब तक फ़ोन चलेगा एटलीस्ट माइक तब तक तो चलेगा ही, और ये था। और मेरी मीटिंग का क्या रहा, मेरी मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, उनसे बात बन गई है, और बात बन गई है तो अब काम स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मेरी मतलब एक्चुअल मीटिंग थी किस चीज़ की, और मैंने उनके लिए मतलब क्या प्रोजेक्ट डन किया, देन उसके बाद बताऊँगा मैं एक्चुअल काम करता क्या हूँ, क्योंकि आप लोगों को रहेगा कि हाँ मीटिंग है, ये है, क्लाइंट से मिलने जाना, बट एक्चुअल मैं करता क्या हूँ ये भी पता आपको अभी नहीं पता होगा, ये मैं बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, जब उनका प्रोजेक्ट डन हो जाएगा देन उसके बाद मैं ये भी एक्सपोज कर दूंगा कि हाँ मैं एक्चुअल में मेरा वर्क क्या है और मैं काम क्या करता हूँ। वैसे मेरा जो क्या है कि अब इवनिंग में, आज तो मैं लेट हो गया घर जाने के लिए, तो मेरा 10 किलोमीटर वैसे तो हो नहीं पाएगा पूरा कम्प्लीट, तो मैंने यही सोचा कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ
तो इसी टाइम का यूटिलाइज़ करके मैं अपना ब्लॉग शूट कर लूँ 10 किलोमीटर का। और वैसे भी मैंने काफ़ी वॉक कर लिया है, तो मेरा शायद काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी किलोमीटर मैंने, सो मैंने काफ़ी वॉक कर लिया है, तो मे भी मैंने 10 किलोमीटर में से काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। बाकी आज यहाँ से कंप्लीट कर लूँगा जो भी रहेगा, और घर जाते जाते तो मेरा 10 किलोमीटर हो जाएगा। मैं आपको उसका भी शूट, मतलब कि जो मेरा, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मेरा 10 किलोमीटर आज का है वो day 7 का उसका। यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है डिस्प्ले में, बाइड कोई BID करके कंपनी है, उसकी गाड़ी लगा रखी है यहाँ पर। इसका नाम है Auto 3 करके, ऐसे नाम है इसका। ये गाड़ी उन्होंने ऐसे डिस्प्ले में लगा रखी है, काफ़ी लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मे बी न्यू लॉन्च होगा इंडिया में शायद, आई डोंट नो, मैंने कभी इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है, सो मैं इसका नहीं बता सकता। बाकी काफ़ी प्यारी गाड़ी लग रही है ये पीछे से कुछ ऐसे दिखती है, बिल्ड योर ड्रीम्स। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा प्यारी सी लाइन लिखी है, बिल्ड योर ड्रीम। तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, ये Auto 3 करके ये गाड़ी का नाम है, बाइड Auto 3 करके। और ये लोग गाड़ी के अंदर का देख रहे हैं, इंटीरियर कुछ ऐसा ही है, मे बी ये इलेक्ट्रिक कार है शायद। गाइज़ मैं आ चुका हूँ मॉल के 2nd फ्लोर पे। 1st फ्लोर से जहाँ से मैंने एंट्री करती है एस्केलेटर से, वहाँ पे हमारी जब क्या कहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ था, दैन उसके बाद मैंने एंट्री ली थी मॉल में। तो उससे पहले वॉक स्ट्रीट माना जाता है, उसके बाद में ही मॉल में एंट्री होती है। मैं आ चुका हूँ 2nd फ्लोर पे एस्केलेटर से। सो यहाँ पे भी कई सारी शॉप्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्विस अरेबियन करके है, और ये स्टैनमैक्स भी है इसके अंदर, और ये शकुंतलम एक्सक्लूसिव। ये सारे वुमेन ब्रांड्स हैं, ये शकुंतलम, इसमें तो साड़ीज़ दिख रही है मेरे को कई सारी। सो ये तो मेरे मतलब का है भी नहीं। सो यहाँ पे एक ऐसे गो कलर्स करके है, और मीना बाज़ार, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसमें, ऑक्टेव। ये अंदर का, अंदर से शॉप ऐसी है कुछ। और किसी को अगर यहाँ पे ये स्वीट, आई डोंट नो क्या है, ये स्वीट्स हैं, मैं तो खाता नहीं तो मुझे नहीं पता क्या है ये, आई हेट स्वीट्स। बाटा, तो जो मेरा अभी प्रोजेक्ट है उसमें मेरे लिए टास्क, ये टास्क नहीं है एक्चुअली, में मेरा जो क्लाइंट जो भी है वो मेरे को आधे काम करके देंगे, बिकॉज ऑफ कि जो कैटलॉग, मतलब जो भी आइटम बनना है वो रशिया के मार्केट के पर्पज़ से बनना है, तो रशियन मार्केट में जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको प्रिपेयर करना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे ये नए लैंग्वेज का टास्क है कि रशियन लैंग्वेज में मेरे को सब कुछ वो करना है, मैनेज करना है। और बाकी तो क्लाइंट मेरे को प्रोवाइड करेंगे ही, जो भी उनकी लैंग्वेज पुट करनी है। 3 लैंग्वेज में रहेगी, एक तो इंग्लिश में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वो रहेगा, सेकंड है रशियन लैंग्वेज में आएगा, और थर्ड इज़ उज़्बेकिस्तान जो है उस लैंग्वेज में भी, वो क्या कहते हैं, वो चीज़ बननी है। तो मैं अभी नहीं बता रहा कि एक्चुअल में वो है क्या, बट मेरे लिए ये थोड़ा अलग टास्क है, क्योंकि मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए प्रोजेक्ट्स किए हैं कई सारे, उसमें फिनलैंड की भी लैंग्वेज में फिनिश जो है वो भी यूज़ की है, स्पेनिश यूज़ की है, और डच लैंग्वेज यूज़ की है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने काम मतलब करा है। पर वो सब क्लाइंट ही मेरे को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सारी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को इंग्लिश ही, मतलब इंग्लिश ही समझ में आएगी, मेरे को तो नहीं पता फिनिश में किसे क्या बोलते हैं, तो वो लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जस्ट मैं उनको प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके देता हूँ उनकी लैंग्वेज में। सो मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और काफ़ी मतलब वहाँ का भी मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में जो आपका रशिया में जो भी लैंग्वेज होती है उसमें कैसे चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ जाके 30th अगस्त को वहाँ पे जाके सॉफ्ट लॉन्च है उन लोगों का, तो उसके लिए मेरे से मतलब कि वो लोग प्रोजेक्ट करा रहे हैं। सो जैसे ही कम्प्लीट होता है डेफिनेटली आई विल शो यू कि मैंने क्या कंप्लीट किया है।
रेसर्स पूमा वाले यहाँ पे आ चुके हैं, बट आप लोगों को पता है कि आई लव एडिडास, मैं एडिडास की चीज़ें, ये रहा मेरा एडिडास, मेरा लव पॉइंट है ये, मेरे को ठीक है शूज़ अच्छे लगते हैं पूमा के, बट मेरे को एडिडास ही पसंद है तो मैं एडिडास की शूज़ लेता हूँ। अभी मैंने एडिडास ही पहन रखा है। तो मेरे को एडिडास ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ मेरे को परचेज करनी रहेगी तो मैं एडिडास की लूँगा। मुझे नहीं पसंद ये पूमा और नाइकी वाइकी और स्केचर्स, आई डोंट लाइक। मेरे को एडिडास इसका मतलब फिटिंग भी अच्छी है और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब वो क्रेज़ी होते जा रहे हैं स्केचर्स पहनेंगे, नया ब्रांड पहनेंगे। सो मेरा तो फिक्स है एडिडास। यहाँ पे गाइस एसिक्स भी है। अगर मेरे को सेकंड अगर कोई ब्रांड लेना पड़ेगा तो मैं एसिक्स ज़रूर प्रेफर करूँगा, पर फर्स्ट ब्रांड मेरा एडिडास ही है। यहाँ पे ये लुक्स करके कुछ है, लुक्स सैलून, पता नहीं ये मॉल में कौन आगे बाल कटवा रहा है, पता नहीं गाइस मॉल में आगे कौन बाल कटवा रहा है डेली, मतलब किस पे इतना टाइम है कि अगर उसे डेली ऑफिस जाना है, अगर उसका ऐसा है कि क्लीन चिट होके जाना है तो डेली आगे कौन आगे यहाँ पे मॉल में बाल कटवाएगा। और ये वही है कि बस कभी घूमने आ गए अपने कहते हैं फ्रेंड्स के साथ में चिल आउट करने आ गए तो ही मतलब लोग इसमें बाल कटवाएंगे। इधर मैं दिखा देता हूँ, सिनेपोलिस में आ चुका हूँ, ऊपर जो इसके फ्लोर है लास्ट फ्लोर है, यहाँ पर सिनेपोलिस है। सो गाइज मैं इस मॉल के लिए मैंने एक बात बताना भूल गया, क्योंकि ये मॉल जो है ये NSP मेट्रो स्टेशन है, इसमें जो दूसरी लाइन यहाँ पड़ती है, मतलब उसकी जो एक रेड लाइन पड़ती है, एक दूसरी सेकेंडरी लाइन है यहाँ की, मतलब मेरे को याद नहीं है एक्चुअली कि लाइन का नाम क्या है, तो उससे ये मॉल ना लिंक्ड है। तो आप अगर इसमें एंट्री करना चाहते हो डायरेक्ट, आप मेट्रो से निकल कर डायरेक्ट आप इसमें एंट्री ले सकते हो, और वहीं पर एंट्री के टाइम पर आपका सब जो भी चेक करना रहेगा वो चेक हो जाएगा, सिक्योरिटी जो पॉइंट रहता है वहीं रहता है। तो मैं इसमें काफ़ी बार आया हूँ। सो मेरा मेन था ये कि पुल बंगश से मैं वापस जा रहा था अपने घर की तरफ, तो मैंने कहा कि ठीक है आई थिंक मेरे को इसका भी ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि घर पे पहुँचता तो वही टाइम हो जाता मेरा 7 के अराउंड, तो मैं आज का ब्लॉक नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि उस टाइम का यूटिलाइज़ करके मैंने यहाँ पर आ गया कि मैं अपना ब्लॉग शूट करके देन उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊँ। तो मेरा आज का जो टास्क रहेगा, मेरा जो मेरे को 10 किलोमीटर पर डे कंप्लीट करना रहता है, आज का मैं कंप्लीट कर लूँगा इस तरीके से। पे बींग ह्यूमन का जो ब्रांड है उसका भी काम चल रहा है, उसका स्टोर रेडी हो रहा है, तो अभी वो ऐसे बंद कर रखा है, अभी मैंने देखा तो ओपन था तो अंदर काम चल रहा था। सो गाइस मेरा हो चुका है ये, मतलब मैंने ये पूरा मॉल दिखा दिया जितना मेरे को लगा दिखाने लायक है, वो तो सारा मैंने दिखा दिया। अब मैं चलता हूँ शायद, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ या फिर जो इसके ऑफिस एरिया है मतलब रोड के उस साइड जाना पड़ेगा, उधर जाऊँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो देखता हूँ कि कहाँ जाता हूँ। क्राउड देखो गाइस, क्राउड आज का क्राउड, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो गाइज मैंने बोला था आपको कि यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो इससे लिंक्ड है, मतलब इससे कनेक्टेड है। तो ये रहा मेट्रो स्टेशन और ये है मॉल के अंदर, मॉल में जाने के लिए मॉल एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे आप NSP में उतर के यहाँ से पिंक लाइन है शायद, पिंक लाइन से निकल के आप सीधा मॉल में एंट्री ले सकते हो।
सो गाइस मैंने सोचा है कि एनएसपी का जो सेकंड साइड है, जो उधर की साइड जो ऑफिसेज है उधर की साइड में, वो कभी और कवर करते हैं। आज इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी हल्दीराम, और अभी देखता हूँ मेरे को कुछ वहाँ से मतलब कुछ नीड है खाने की, तो देखता हूँ क्या खाता हूँ। तो हल्दीराम के अंदर करेंगे आज वीडियो का एंड, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को लग रहा है ना कि जल्दी से मेरे को वीडियो एंड करके अब घर निकलना पड़ेगा। सो अभी मैं हल्दीराम जा रहा हूँ। सो गाइज मैं गया हल्दीराम, मैंने सोचा कुछ खा लूँ, बट वहाँ पे कोई टेबल खाली नहीं थी, और वो लोग कह रहे हैं कि आप टेबल पे बैठ के भी अपना ऑर्डर कर सकते हो स्कैन करके। बट मैंने पूरा देखा, कहीं कुछ खाली नहीं था, सारे टेबल्स भरी हुई थी। और जो जहाँ पे रिसीट कटती, अगर मैं पे करता तुरंत, हाँ तब पे करने वाली जो लाइन थी, जहाँ पे क्यू थी, वो काफ़ी लंबी थी, काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं चलता हूँ अपना मेट्रो में ही कुछ देख के खा लूँगा। सो अब मैं घर निकल रहा हूँ। क्या पी शुरू कर दिया मैंने। सो गाइज मैं एंड करता हूँ अपना ब्लॉग नंबर 7, डे 7 मैंने आज कर दिया कंप्लीट। सो गाइज मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और अपना एंड कर रहा हूँ ब्लॉग 7, और जो मेरा चैलेंज है डे 7 वो भी कंप्लीट करता हूँ। मेरे 10 किलोमीटर पूरे हो गए आज के भी। सो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो अब जाके देख लो, और उस पर कमेंट करा काफ़ी लोगों ने, मुझे अच्छा लगा। और सो गाइज मेरे कंप्लीट हो गए 7 दिन 7 डेज, और मेरे अब रह गए हैं 93 डेज लेफ्ट। सो 7 दिन तो मैंने कंप्लीट कर लिए, और 93 अभी बहुत बड़ा नंबर है, बट इसे भी कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप कर दो चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर देना लाइक, और कर दो कमेंट प्यारे प्यारे से, और बस ऐसी सपोर्ट करते रहो आपके साथ। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो डे 8 रहेगा और ब्लॉग नंबर 8 रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।